अभी दो दिन पहले मेरे मित्र मेरे दोस्त के ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया. ही हैड अ रेस्पिरेटरी इशू एंड टू रिकवर एट द एज ऑफ 90 एंड टू फाइट इट आउट इज अ वेरी वेरी बिग डील. तो हम सब बड़े खुश थे कि दादू घर आ रहे हैं. एंड व्हेन ही वाज गेटिंग डिस्चार्ज इवन द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस वर वेरी वेरी हैप्पी. Because it's not a very easy thing to recover at this age. You need a lot of willpower to do that. और जब वो बाहर निकल गए थे हॉस्पिटल के दरवाजे से, so उसी समय डॉक्टर ने कहा, दादू, आपसे एक दरख्वास्त है कि आपको सिर्फ एक दिन के अपने वेंटिलेटर चार्जेस पे करने होंगे एज अ टोकन. एंड उसी समय उनके आंखों से आंसू आ गए और हम सब के मन भावुक हो गए उनके आंखों में आंसू देखते हुए. और उसी समय डॉक्टर ने उनसे पूछा कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज कॉजिंग यू डिसकंफर्ट, इफ यू आर नॉट इन द पोजीशन टू पे फॉर इट देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ टोकन अमाउंट सो दैट वी कैन यूज इट फॉर अदर पीपल. तो दादाजी ने कहा, नहीं, मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मुझसे एक दिन के वेंटिलेटर चार्जेस मांगे. मैं एक दिन नहीं, सारे दिनों के आपको वेंटिलेटर चार्जेस दूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी, क्योंकि मैंने यूज किया और मुझे पता वो क्षमता है. कम से कम जिनके पास वो नहीं है पैसे देने की काबिलियत, उनसे आप पैसे ना लें और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें. एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ गया क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया कि भगवान के वेंटिलेटर का चार्जेस मैं कब दूंगा, मैं कैसे दूंगा. उन्होंने कहा कि मैं 90 सालों से सांसें ले रहा हूं प्रकृति के दिए हुए इस ऑक्सीजन के सहारे जी रहा हूं. मैंने तो एक दिन का भी उन्हें फीस या डोनेशन नहीं दिया. अगर मैं हिसाब करने जाऊं 90 सालों का तो मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी बिल बन गई है. आज जब मैं हॉस्पिटल में हूं और मुझे एक दिन की फीस आपने मांगी, तब मुझे पता चला ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है साहब. और इस प्रकृति ने तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, जल, अग्नि, सारे तत्व हमें दे रखे हैं जिनका इस्तेमाल हम दिन प्रतिदिन हर क्षण किए जा रहे हैं बिना कोई मोल लगाए. बस यही सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गया. सो मेरे प्यारे कर्मयोगी, मैं यही कहता हूं कि एट टाइम्स वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड इन दिस वर्ल्ड, राइट? एवरीथिंग दैट वी आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यू प्रोबब्ली फॉरगेट द वैल्यू ऑफ इट. बट व्हेन वी नीड टू पे फॉर इट समवेयर एल्स इन सम अदर वे, देन वी रियलाइज व्हाट वी हैड. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट water, oxygen, it is about relationships, people, everything we have, everything which we get very easily, sometimes we take it for granted. बहुत easily हम उन सब चीज़ों को बस यूं ही casually ले लेते हैं. मैं यही कहूँगा इस दौरान कि हर एक चीज़ की value करना सीख लीजिए. There is a value to everything that you have around you. बस उनको समझना सीख लीजिए. और कुछ नहीं तो अंत में सारे दिन के बाद उसे बस थैंक यू, शो योर ग्रेटिट्यूड टू इट, दैट विल बी एनफ.